पांच भारतीय क्रिकेटरों के है सबसे महंगे घर। नंबर एक पर महेंद्र सिंह धोनी। भारतीय क्रिकेटर भी कम अमीर नहीं होते, वह अपने बड़े महंगे शौक और आलीशान घरों के लिए जाने और पहचाने जाते हैं। आइए आपको इस आर्टिकल में भारतीय टीम के पांच ऐसे क्रिकेटरों के बारे में बताते हैं जो सबसे महंगे घरों के मालिक हैं। विश्व फुटबॉल के बाद सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला खेल है। भारत में इस खेल के बारे में क्या ही कहना। भारत में क्रिकेट को त्योहार और खिलाड़ियों को भगवान समझा जाता है। वहीं फैंस अपने पसंदीदा खिलाड़ियों के बारे में हर चीज जानने के इच्छुक रहते हैं, चाहे वह उनकी लाइफस्टाइल हो, वह क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, क्या पहनते हैं इत्यादि। आज हम आपको भारतीय क्रिकेट टीम के ऐसे ही पांच खिलाड़ियों के बारे में बताने जा रहे हैं जो महंगे और आलीशान घरों के मालिक हैं। साथ ही बता दें इन क्रिकेटरों के घरों की कीमत करोड़ों में है। कप्तान रोहित शर्मा सबसे महंगे घरों की लिस्ट में पांचवें नंबर पर आते हैं। भारतीय कप्तान मुंबई के लग्जरी अपार्टमेंट आहूजा टावर के 29वें फ्लोर पर बने 6000 स्क्वायर फीट के एक लग्जरी फ्लैट में रहते हैं। इस फ्लैट की कीमत लगभग 30 करोड़ रुपए बताई जाती है। पूर्व बल्लेबाज और क्रिकेट की दुनिया में भगवान के नाम से मशहूर सचिन तेंदुलकर इस लिस्ट में चौथे नंबर पर आते हैं। बता दें सचिन तेंदुलकर मुंबई के बांद्रा में एक 6000 स्क्वायर फीट के विला में रहते हैं। मीडिया खबरों के अनुसार इस विला की कीमत 38 करोड़ रुपए बताई जाती है। पूर्व खिलाड़ी और दिग्गज ऑलराउंडर युवराज सिंह इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर आते हैं। भारत को साल 2011 वर्ल्ड कप जिताने में युवराज ने अहम रोल निभाया था। बताते हैं अपनी महंगी और लग्जरी लाइफ के लिए मशहूर युवराज ने साल 2013 में मुंबई के ओकार टावर में 29वें फ्लोर पर 16000 फीट का एक लग्जरी फ्लैट खरीदा था। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इस फ्लैट की कीमत 64 करोड़ रुपए थी। पूर्व कप्तान और रन मनीष के नाम से मशहूर विराट कोहली इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर आते हैं। युवराज के साथ ही विराट कोहली का ओमकार टावर में एक लग्जरी अपार्टमेंट है जिसकी कीमत 35 करोड़ रुपए है। हालांकि मुंबई आने से पहले विराट कोहली गुरुग्राम स्थित अपने विला में रहते थे जिसकी कीमत 80 करोड़ बताई जाती है।